जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आवाज आ रही है आप लोग को? प्लीज कंफर्म करें। जी सर, आवाज आ रही है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अमर भाई भी आए हैं, वसीम तैयार साहब आए हैं, सैयद इमरान हुसैन साहब। अब थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर प्रैक्टिकल रिटर्न फाइल करेंगे, फिर आप लोग से मैं क्वेश्चन लूंगा। नंबर वन पे आपको पता होना चाहिए कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ये लोग सेक्शन 114 के अंदर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है वहां पे डिफाइन किए गए हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, जिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, इसको आप देख लीजिएगा ये कौन कौन लोग हैं जिनके लिए बाय लॉ रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब मैंडेटरी है, कुछ लोगों को माफी भी होगी, तो मतलब हु इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है, या फिर कह लें कि नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर। ये वाले जो लोग हैं ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? ये सेक्शन 115 में लिखे हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 115 के बाद आपका जो अपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिक्लेयर करना होता है, जिसको हम वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं। बेसिकली आप तो हम जो रिटर्न फाइल करते हैं उसी के अंदर ही आप अपनी इनकम एंड टैक्स और अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को शो करते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो आप रिटर्न आप फाइल करते हैं, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक रिटर्न का पोर्शन होता है, एक वेल्थ स्टेटमेंट का पोर्शन होता है। जो रिटर्न का पोर्शन होता है उसमें इनकम और उसके ऊपर टैक्स आ रहा होता है, ठीक है, और जो दूसरा होता है उसके ऊपर सिर्फ आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आ रही होती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अच्छा जी, उसके बाद जब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं तो इसमें वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर फिर आपको समझ आ गई कि यानी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को डिक्लेयर करना, वेल्थ स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना, ये किस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है? सेक्शन 116 की। ठीक है, फिर आगे आपका कब तक रिटर्न फाइल की जाए, ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR इनकम टैक्स रिटर्न, ये वाली सेक्शन 118 में चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने अगर टाइम पे आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, आपको लग रहा है अलर्ट 4/30 आ रहा है और आप समझते हैं कि यार मैं तो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाऊंगा, मैं लेट हो सकता हूँ, तो मुझे एक्सटेंशन लेनी है, तो एक्सटेंशन लेने के लिए आपका सेक्शन है वो 119 है। ठीक है, फिर इसी में बीच में सेक्शन 114 के 114(6) के अंदर अगर आपको लगता है कि मेरी रिटर्न में कोई गलती हो गई है, सॉरी यहाँ पे, अच्छा आपको लगता है कि यार मेरी रिटर्न फाइल करते हुए कोई ओमिशन, कोई मिसस्टेटमेंट, कोई गलती हो गई है, तो मैं इसको किस तरह से रेक्टिफाई करूँ, तो रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है कि आप ऐसा कीजिए कि जब आपकी मिस्टेक हो रही है तो आप इसको करेक्ट कर लें। करेक्ट करने को हम कहते हैं कि रिवीजन करना। जो रिवीजन करना है ये भी सेक्शन 114 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आ गई कि डिफरेंट सेक्शंस हैं फिर जो इन चीजों को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये सेक्शंस आपने थोड़ी सी रीडिंग देनी है, आपको समझ आ जाएगी, और ये नेसेसरी सेक्शन है। फिर आगे जो सेक्शन असेसमेंट ऑर्डर, जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऑफिशियल उस रिटर्न को देखता है, ठीक है, तो वैसे नहीं देखता असली तौर पे, तो मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता कि एक लम्हे में 10-10, 20-20, 50-50 लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ऐसा कमिश्नर वेला नहीं है कि वो बैठा हुआ देखता रहे, पहले इसकी रिटर्न देखी, अप्रूव की, फिर उसकी देखी, अप्रूव की। तो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट एक होता है, ऑप्शन होती है असेसमेंट ऑर्डर स्लैश, बल्कि ऑडिट असेसमेंट, ऑडिट स्लैश असेसमेंट। आपके पोर्टल के अंदर कंप्लीटेड टास्क में जहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आ रही होती है, साथ एक ऑडिट असेसमेंट का भी वो ऑप्शन आ रहा था, उसके साथ सेक्शन 120 लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है जो आपने रिटर्न सबमिट की है उसको आपके ऑफिसर ने देख लिया है, हालांकि देखता नहीं है, लेकिन ये कानून की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने ये वाला सिस्टम बनाया हुआ। ठीक है, बात समझ आ रही है?
अच्छा जी, तो ये जी सर। चीजें, फिर किस बंदे ने रिटर्न फाइल करना है, किसने रिटर्न फाइल नहीं करना, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट को फाइल करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें कानून में जरूरी हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, एक और रिटर्न बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, आपका जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा रिटर्न के मुताबिक आई शैल बी आंसरिंग यू, ठीक है, आपका जो भी सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ये चीज अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ठीक है, ताकि आपको पता हो, फिर मैं ताकि पोर्टल पे लैंड करूं, ठीक है। चलिए बंद कर दो फिर इसे, कर दें सर। ठीक अब यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे एक चीज नोट फरमा लें, ठीक है, हमने रिटर्न फाइल करने के लिए हमारा लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, लेट्स सपोज ये लॉगिन है, जब आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन आ जाती है एड्रेस डैशबोर्ड, ठीक है, इसके अंदर जब हम जाते होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि हम यहाँ पे क्लिक करते थे, अगर नॉर्मल टर्न होती थी, अगर सैलरी टर्न होती थी, तो हम यहाँ पे जाते थे, ठीक है। अब मैंने ओपन की हुई है जानबूझ के, मैं दोबारा स्टेप करना चाह रहा हूँ, ओरिजिनल पे क्लिक किया, ओरिजिनल का मतलब है कि आपने कभी पहले रिटर्न फाइल नहीं किया, क्या मतलब नहीं फाइल किया, जब आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे थे, क्या मतलब फर्स्ट टाइम, सर इस बंदे ने कभी रिटर्न फाइल नहीं किया, पहली दफा कर रहा है, इसलिए ओरिजिनल का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, नहीं भाईजान, अगर मैंने 2023 की रिटर्न अभी आज जमा कर रहा हूँ पहली दफा, तो ये ओरिजिनल रिटर्न, भले मैं 2022 में भी करके आया था, ठीक है, 2024 में भी किया हुआ, लेकिन जो 2023 की रिटर्न है वो पहली दफा हो रही है, आपके साथ दूसरी दफा भी रिटर्न होती है, जी, दूसरी दफा भी होती है, क्या मतलब है, जब आपकी रिटर्न में मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, रिवीजन फाइल करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो दूसरी दफा रिटर्न फाइल होता है, तो उसके लिए फिर ये रिवाइज वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, ओरिजिनल कब होता है, जब आप पहली दफा रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आप मौजूदा टाइम पे ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो आप एक्सटेंशन ले लेते हैं, ये एक्सटेंशन है, ठीक है, मोलक ले लेते हैं, अगर सबमिटेड रिटर्न में गलती हो जाती है तो रिवीजन करने के लिए समटाइम ये होता है कि अगर आप 60 दिन से लेट हो जाए और आपको फिर याद आए 61 दिन पे, 61 डेज पे, यार गलती हो गया, तो फिर आप ये रिवीजन पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, ठीक है, तो खैर ये आपको पता चल गया कि ये जो 4 टैब है, ओरिजिनल में क्या है, फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करना, रिवाइज में क्या है, अगर आपकी रिटर्न में कोई गलती होगी उसको करेक्ट करना, एक्सटेंशन में क्या है, अगर आप मौजूदा डेट तक, ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर सकते उसके एक्सटेंशन देना, रिवीजन में क्या है कि अगर आप 60 डे से लेट हुए तो एक्सटेंशन देना, ठीक है, आई बिलीव ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, और आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं, जी बताइए, चलें आगे चलते, सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम एप्लीकेशन देते हैं और वो अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम किस टैब में जाकर रिवीजन वाली रिटर्न फाइल करेंगे? ये वाला डिवाइस, ये जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, रिटर्न फाइल करते हैं, ओरिजिनल पे गए, सैली के रिटर्न पे गए, 2022 की खातून की मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, लेट्स से जब मैंने कंटिन्यू किया, उसने यहाँ पे कहा भाई आपकी ये रिटर्न जो है ना आपकी ड्राफ्ट में मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करके ड्राफ्ट पे चल गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ड्राफ्ट की रिटर्न ओपन होगी, ठीक है, आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, अब हमने इस खातून की सैलरी डालनी है, मैं लेट से कहता हूँ कि यार इस खतून ने कहा कि मेरी कोई सैली वैली नहीं है, बस मुझे मेरी रिटर्न फाइल करवानी है, मैंने कहा क्यों मैडम करवानी है, मैंने कोई अपनी ज़मीन सेल करनी है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा है कि मुझे आप एक्टिव कर दें, फाइल कर दें, मैंने कहा अच्छा, तो मैडम आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पहले तो पैसे लेती थी, अब तो प्राइवेट जॉब करती थी, अब जॉब शॉप कोई नहीं है, मैं घर पे होती हूँ, कोई काम शाम नहीं है, मैंने कहा फिर सर कुछ भी कर दें, अब ये तो ये तरीका कि मैं इसकी सैलरी 1 रुपये कर दूं, ठीक है, आप क्योंकि मैंने सैलरी पर रिटर्न ओपन की हुई है, लेकिन मैंने सैलरी वाली क्यों ओपन की, क्योंकि ये इसकी फर्स्ट रिटर्न है, इससे पहले जिंदगी में कभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, पहली दफा रजिस्टर्ड हुई है, तो मैं इसे क्योंकि मैक्सिमम एसेट्स डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ उस रिटर्न के अंदर, तो इसलिए मैं फिर चाह रहा हूँ कि इस खातून को फिर यहाँ पे इस तरह से वो किया जाए कि इसकी पहली सैलरी की रिटर्न होगी, तो उसके ऑल्ड ओल्ड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, अभी फर्स्ट रिटर्न है तो आपको पता है नीड पूछना, ये जानना कि खातून रजिस्टर्ड क्यों हो रही है बड़ा ही जरूरी होता है, ठीक है, तो मैं फर्जी अपने पास से अजम्पशन के तौर पे 3 लाख इसकी सैलरी लेता हूँ, यही सैलरी फिर आपको पता है यहाँ,
यहाँ से यही वाली सैलरी हम लोग उठा के आईआरएस में हम इसको आगे लेके जाते होते हैं। वेल स्टेटमेंट में ये रिकंसिलेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। जब रिकंसिलेशन में लेके जाते हैं तो यहाँ पे 7031 पे यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उस सैलरी को हमें पेस्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। आपको पता है कि यानी कि जो आपकी सैलरी है, एक दफा ये रिटर्न का पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है। इतना पोर्शन आपका रिटर्न का होता है और ये आपका वेल स्टेटमेंट का होता है। ये सेक्शन 114 की वजह से होता है और ये वाला सेक्शन 116 116 की वजह से होता है, ठीक है। आई बिलीव ये तो आपको क्लियर होगा भाई। जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो रोक लेना, ये वाली बात वैसे पहले भी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद अब ये फर्स्ट दफा इन्होंने कहा थी मैंने घर सेल करना था, प्लॉट सेल करना था, डेट्स वाई आई वॉन्ट टू बिकम द एक्टिव इन एटीएल, या मैं फाइलर होना चाहती हूँ। तो इस खतून के बाद मैंने कहा मैडम कितने पैसे पैसे रखे हुए। इन्होंने कहा सर मेरे बैबू सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख रुपए। मैंने कहा अच्छा 50 लाख रुपए। अब इसका मतलब यह है कि ये इसके एसेट्स के अंदर तो शो हो रहे होंगे, तो यानी कि अभी तो वैसे कभी डिक्लेयर नहीं किया तो ये नहीं आ रहा है, मुझे फिर डिक्लेयर करने हैं। बैलेंस स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा, पर्सनल एसेट्स में जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट में जाके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स सबमिट कर दिया, ठीक है। जब सबमिट कर दिया यहाँ पे हम चले गए, इसने 50 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, कैलकुलेट कर दिया। जब हमने कैलकुलेट कर दिया तो यहाँ पे ये अमाउंट इसके एसेट्स के अंदर आ गई। मैंने इनसे पूछा कोई और चीज़ें, उन्होंने कहा सर कुछ कैश भी पड़ा हुआ। मैंने कहा कितना पड़ा हुआ सर, 8 9 लाख रुपया पड़ा हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है हम 9 लाख रुपया समथिंग ये भी आपका शो कर देते, शो शो कर दिया जी कैश भी। अब समझे कि ये क्लाइंट जो जो डिटेल्स जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है हम उससे पूछेंगे, हम अपने पास से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये क्लाइंट की दी गई इन्फॉर्मेशन है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इनकी अब वो जो जमीन इन्होंने सेल करनी है, तो इसका मतलब है कि वो जमीन इनकी रिटर्न के अंदर शो होनी चाहिए। अगर इनकी रिटर्न के अंदर वो नहीं है तो फिर मतलब ये सेल कैसे करेंगी। अब मुझे वो जमीन भी शो करनी है, ठीक है। एक मिनट जी मैं उनके वो देख लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट अवाइल मैं इसको कर लूँ। एक मिनट जी मैं देख रहा हूँ ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म लिखा हुआ है, उर्दू वाला एक्सक्यूज मी सिलसिला। सर, तो जी, ये जो जो जमीन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं सर, वो 7E में भी शो करेंगे? ये बेसिकली 7E में भी शो करनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो कह रही है कि कल को वो डिक्लेयर नहीं मैं करती तो कल को अगर वो सेल होती है तो मेरे पास पैसे आएंगे। बेसिकली ये ज्वाइंट है तो समझो कि जितना इनका परसेंटेज है ना तो इतना शो यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा सर, ये इसके बाद जरा 7E पे गाइड कीजिएगा। इसके बाद 7E पे जा रहा हूँ, यहाँ से 7E पे जाऊंगा। ठीक हो गया सर। सतारा कनाल 8 मरले, ठीक है। है कहाँ पे भी अच्छा, ये देखें इसका तो उनके पास एड्रेस जो है एक ही जमीन का वो क्या है जी, इनकी जमीन का एड्रेस है ये फैसलाबाद में है, कंप्लीट एड्रेस वो अजीबो गरीब लिखा है फैसलाबाद, ठीक है। सतारा कनाल, ठीक है। उसके बाद आपका
अच्छा ये एक मिनट, अच्छा सतारा कनाल, उसके बाद इनके 9 मत है, ठीक है, व्हाट्सएप यहाँ पे सबमिट किया, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है इनको इनके फादर की तरफ से वो इनहेरिटेंस में मिली थी, इस साल नहीं मिली, पुरानी मिली हुई है इस साल इनकी। अच्छा सेक्शन जो अभी बिलीव आई बिलीव 79 है, मैं आपको देख के कंफर्म भी कर देता हूँ उसके अंदर। ओके का बटन दबाओ ना। अच्छा जी 79, लेट मी कंफर्म इट। हाँ जी, कानून के सेक्शन 79 के अंदर लिखा हुआ है, जब भी आपका कोई फैमिली मेंबर कोई आपको गिफ्ट शिफ्ट दे तो उसको गेन रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। कौन कौन लोग हो, ये स्पाउस और ये डिफरेंट किस्म की चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 79 को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बंदा देने वाला होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो लेने वाले की कॉस्ट बनेगी, ठीक है। यानी कि ये ट्रांजेक्शन एट कॉस्ट हो रही होती है, अगर 100 रुपए की आपके वाले साहब की रिटर्न के अंदर वो चीज है या नहीं है, 100 की उनके लिए थी तो आपकी रिटर्न में भी 100 की आएगी। अब हमें नहीं पता कि कितने की वैल्यू इसकी थी, लेकिन हम फर्जी तौर पे एक प्रेजम्पटरी तौर पे इनकी वैल्यू लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे तो असूली तौर पे मुझे क्लाइंट से पूछना चाहिए, जो असूली तरीका मैं फिर भी इनका वो देख लेता हूँ कि इन्होंने शायद मुझे फिगर्स भेजी भी हुई है, लेट मी सी। अच्छा यहाँ पे लिख दी मैं फिगर्स, एक मिनट बाद पुट करता हूँ, मैं उसे कंफर्म कर लूँ ये इसकी फिगर है क्या, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने पर्सनल एक्सपेंसेस लाजमी डालने हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस के बगैर आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। पर्सनल एक्सपेंसेस में यहाँ पे आके जैसे मैडम सामन वाले साहब, अच्छा मैडम काइंडली कन्फर्म कीजिएगा कि ये जो जमीन आपकी वालदा के नाम पे है, ठीक है, ये कितने का आपका वो एग्रीमेंट हुआ है किसी के साथ, और ये मतलब आपकी तो शायद कॉस्ट डिटरमिन करना तो मुश्किल होगा, मुझे बताएं कितने की आप सेल कर रही हैं। जी मैंने देखा है, नहीं उसमें आपकी जमीन आ रही है, उसमें अमाउंट नहीं आ रही है, आपके वाला के नाम पे 6 नंबर के आगे लिखा हुआ। अच्छा लेट मी सी इट अगेन। अच्छा मुझे मुझे काइंडली मार्क करके भेजिएगा, मार्क करके, ठीक। थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा जी अब ये हमारे लिए तो एक रिटर्न है, लेकिन उस खातून से पूछना या उस मरीज से पूछना जिसकी रिटर्न है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने गलत रिटर्न फाइल कर दी वो बेचारे बाद में रिवीजन के चक्करों में पड़े रहेंगे, या मैं रिवीजन करके दूंगा, तो बेहतर ये है कि मुझे एक दफ़ा उनसे पूछना चाहिए। अब यही वाली जो प्रॉपर्टी है इस चीज़ को मुझे यहाँ पे 7E के लिए भी डालना है। 7E में डालने के लिए यहाँ पे टैक्स चार्ज और पेमेंट में आएंगे, कैपिटल एसेट के अंदर आएंगे, ठीक है। कैपिटल एसेट के अंदर आके अब ये वाला जो फॉर्म है ये 7E का फॉर्म है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड जो है वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मेयर मिनट में वो कहता है ये जी कनाल भी है, ठीक है, सतारा कनाल है, ठीक है, और साथ में इनके इसके मरले भी थे, ठीक है। कंप्लीट आप एड्रेस मुझे नहीं याद, फैसलाबाद में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, क्यों एग्जेम्प्ट है? एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वैसे ही जब आप सेक्शन 7E पढ़ेंगे, ठीक है, 7E में आपको ये आपको बढ़ा नहीं रहा, ठीक है। और जिन साहब ने पूछा था कि सर 7E के बारे में मुझे बताएं, तो 7E को मेरे भाई अगर आपने दोबारा अच्छे से देखना हो तो यहाँ पे गाइडेंस भी है, बल्कि गाइडेंस जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ।
बल्कि अभी खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो गाइडेंस है 7A की, वो ये देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। 7A, 7A काफी आजकल एक हॉट टॉपिक है, ठीक है, काफी लोग इस बहस में पड़े हुए हैं। मैं आपको बाद में ये भी लॉग आउट करके दिखाता हूँ। अच्छा, रीजन ऑफ एग्जम्पशन क्या है? ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे ये 7E के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है कि एग्जाम है क्यों, ठीक है। एग्जाम्पल स्टे ग्रांटेड ऑन कैपिटल फ्रॉम सेल फोन एक्सक्यूज मी सर, सर जी। एक प्लॉट है और सर वो इंस्टॉलमेंट पे चल रहा है, ठीक है सर। भाई अभी तो नहीं, सर अभी नहीं, अभी नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में प्लीज, ठीक है। सर, इस 7E के क्वेश्चन बारे में आंसर पूछ रहा सेशन था। बाद में, क्वेश्चन आंसर सेशन ओके बाद में, ठीक है। ओके सर, सेल फाउंड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द पर्सन, ये वाली चीज है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड हो, ठीक है, सबमिट कर दिया, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी ऐड होगी, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी की अगेन वर्थ में देख लो, ये वही वर्थ शो करनी है। यहाँ पे एक कॉस्ट और यहाँ पे एक मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी के अंदर उसकी वैल्यू लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी है कितने की। बेसिकली इनकी जो प्रॉपर्टी है ये बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है 3271 8750, ठीक है। ये कह रहे हैं इतने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे दोबारा से ये 7E के पर्पस के लिए यहाँ भी शो करनी है, ठीक है। इसकी फिर मार्केट वैल्यू भी मैं इसको शो कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इसकी कॉस्ट हम कोई और बना लेते हैं। असली तौर पे जो चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे इधर ये कॉस्ट आनी चाहिए। अब मुझे कॉस्ट का एग्जैक्ट पता नहीं है, ना ही इन लोगों को पता है, क्योंकि पूछूंगा और परेशान हो जाएंगे। कॉस्ट मैं इसकी 22 शो कर रहा हूँ, ठीक है, और जो फिर मार्केट वैल्यू वही शो कर रहा हूँ जितने का इनका एग्रीमेंट होगा, ठीक है, जितने की सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कॉस्ट मैंने कम शो कर दी, फिर मार्केट वैल्यू ज्यादा कर दी। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कॉस्ट कितनी है? भाई क्लाइंट का बताना काम है, क्लाइंट नहीं बताता तो फिर आप जो करना है करें, ठीक है। आप अपने मामला के लिए खुद जवाब दें क्लाइंट को, ठीक है, और फिर मार्केट वैल्यू उतने की जितने की वो प्रॉपर्टी सेल होने जा रही है। अभी मैं इसको बाद में एडिट भी करूंगा आपको दिखाने के लिए, चाहिए दिखा रहा। अच्छा, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट शो कर दी, यहाँ पे हमने फिर मार्केट वैल्यू शो कर दी, ठीक है। इस तरह 7E को जो लोग पढ़ना चाहते हैं, 7E की मैं आपको दिखाता भी हूँ एक गाइडलाइन भी, तो 7E को आपको ना चाहते हुए सेक्शन 7E को पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कर दिया, उसके बाद आप देखें कि पर्सनल एक्सपेंसेस हमने नहीं लिखे, लेकिन याद रखिएगा कि बड़े से लोग पर्सनल एक्सपेंसेस में कंबाइन करके डाल देते हैं। ये कोई बुरी प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस है। क्यों? समटाइम ये होता है कि जब एक्सपेंसिस आप यहाँ पे कंबाइन करके डालते हैं, तो कल को अगर आपसे ब्रेकअप मांगा जाए तो आप अपनी मर्जी से चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनके सारे के सारे एक्सपेंसेस इनके खबर देते हैं, तो इसलिए मैंने कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय द फैमिली मेंबर कर दिया। एक्चुअल में एक्सपेंस इनका ये है, सारे का सारा इनके खबर दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिया, अगर नहीं देते तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया, एक्चुअल में इनकी जेब पे एक्सपेंस 0 आया, ठीक है, इनकी जेब पे जो इफेक्ट आया वो 0 आया। ये देख, क्यों 0 आया? जितने एक्सपेंसिस होते हैं सारे सारे इनके खबर दे देते हैं, इनके स्पाउस दे देते हैं, ठीक है। टैक्स चार्ज में जाकर देख लें कि इनकी रिटर्न के अंदर कंपटीशन पर क्लिक करके इससे रिटर्न के अंदर क्या क्या फिगर्स आ रही हैं, तो इस पेज के ऊपर सारी चीजें लिखी आ रही होती हैं। आपकी रिटर्न का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज होता है जो बता रहा होता है, अच्छा कितनी सैलरी है आपके रिटर्न के अंदर, कितना अदर सोर्स इनकम है, कितनी फॉरन सोर्स इनकम है, कितनी एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये वाला पेज भी आपने फिर देख लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब जब हम यहाँ पे लास्ट स्टेप पे जाते हैं आप रिकन्सिलेशन में, तो आप देखेंगे बड़ी ज्यादा सारी फिगर ये आ रही है अनरिकन्साइल्ड। ये अनरिकंसाइल्ड फिगर क्यों आ रही है? इसकी वजह ये है कि ये जो अमाउंट अभी आप देख रहे हैं,
आपकी फर्स्ट रिटर्न है, तो आपने ओपनिंग में कुछ भी डाला हुआ कि आज से जो पहले वाला साल था, पिछला साल था, उसमें आपके पास कुछ था कि नहीं था, ये उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि आज अगर 2023 में खड़े हुए हैं, तो 2022 में आपके पास क्या चीजें थी, क्योंकि 2022 के 30 जून पे जो चीजें थी, ये उनका मतलब नहीं बताने की वजह से ये फर्क आ रहा है। तो हम इस फर्क को उठा के यहाँ पे लिखते होते हैं, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली चीजें रिकनसाइल हो जाएंगी। आपने ये क्या किया, सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, अनरिकनसाइल्ड फिगर को ओपनिंग में डाल दिया। ये आपने चीज सिर्फ फर्स्ट रिटर्न के केस में करनी होगी, अदरवाइज नहीं करनी होगी, ठीक है? तो ये खैर एक ऐसी चीज है कि जो फर्स्ट रिटर्न बनाते हुए आप फेस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर में ये रिटर्न में इश्यू नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूँ कि अभी इतने असासे हैं, तो पिछले साल कितने असासे थे। आपने सर पिछले साल भी यही आ रहे हैं, अभी भी यही आ रहे हैं, आप देखें ना सामने। मैं कहूंगा भाईजान, बात यह है कि इसको गौर से पढ़ो, पिछले और अभी वाले साल में फर्क क्या है, वो 3 लाख का फर्क है जो खातून ने इस साल सैली वैली कमाई है, ठीक है? समझ आ रही है कि नहीं भाई? जी जी सर, आ रही है। थोड़ा सा मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि रिटर्न वाली चीज, इसको हम पहले भी एक दो दफा डिस्कस कर चुके हैं शायद, मतलब एक दो सेशंस के अंदर, ठीक है? तो ये चीजें आई बिलीव सेक्शन आपने लाजमी रेफर करने हैं, इसको लाजमी देखना है, ठीक है? टैक्स कितना बनता है वो यहाँ से आपको पता चलता होता है कंपटीशन से, ठीक है? उसके बाद आपका जो वेल्थ स्टेटमेंट है, यहाँ पे आके पर्सनल एक्सपेंसिस भी आपके लिखे होते हैं, ठीक है? ये नीचे जाके आपको पता है ये लाजमी लिखने होते हैं, पर्सनल एसेट्स भी लिखनी है, ठीक है? तो अब ये जो भाई साहब एक थे जो कह रहे थे सर जी मुझे एक चीज बताएं कि वो फलाम वाली जो अमाउंट मतलब आधी अमाउंट एडवांस ली हुई है, वो अपना सवाल पूछें। आम आ रहे को हर किस्म का क्वेश्चन पूछने की जरूरत, ठीक है? जी भाई साहब जो क्वेश्चन पूछ रहे थे पूछे, मैंने आपके लिए वो ओपन किया। सर, मैं 7E के बारे में पूछना था सर। जी 7A का आप पूछें। सर, एक बंदा है, उसने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया है, इंस्टॉलमेंट पे चल रही है सर, तो 18,75,000 उसने पेमेंट किया है, तो उसकी सर रिफ्लेक्शन हम कैसे करेंगे 7E में? सर, एक्चुअल प्राइस डालेंगे या जो पे की हुई है वो डालेंगे सर? याद रखिएगा इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, एक एक्चुअल का, एक फेयर मार्केट वैल्यू का। अभी आपको क्योंकि पता नहीं कि उसकी फेयर वो इंस्टॉलमेंट पे है, वो प्लॉट कितने का हो गया कितने का नहीं हो गया, तो आप दोनों में वही कॉस्ट पे लेके चल पड़े। वो फर्क असल तब आएगा जब आपके नाम पे प्लॉट आ जाएगा, पूरा फुल फ्लेज आपके प्लॉट हो जाएगा या वो जो भी चीज है, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना फर्क है। अदरवाइज अभी तो आप नहीं बता सकते कि वो इंस्टॉलमेंट पे कितना आपका कितना नहीं, ठीक है? अच्छा सर, मतलब जितनी इंस्टॉलमेंट की है वो डालनी है? ठीक जी। है सर, थैंक यू। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछो। जी, एक मिनट एक मिनट जी, भाई साहब एक क्वेश्चन पूछ के म्यूट कर दिया करें, आप पूछें जी क्वेश्चन। पूछना मुझे ये था कि 107E के अंदर जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो रही है, तो कितने अमाउंट से एग्जम्प्ट होगी और कितने अमाउंट से ऊपर एग्जम्प्ट नहीं? जी उमामा हुसैन मेरे दोस्त, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना, तो आप लोग थोड़े से फेवर किया करें कि थोड़ा सा लॉ को पढ़ लिया करें। आप सारे लोग जो 7E बोल रहे हैं, 7E ये एक सेक्शन का नाम है, ठीक है? इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं, 2.5 करोड़ की इसमें बात की गई है, 2.5 करोड़ उससे ज्यादा की प्रॉफिट होगी। ये आपके सामने स्क्रीन पे ये वाली चीज आ रही होगी, यहाँ पे मैं क्लिक करके आपके लिए ये जो गाइडेंस है वो भी इसके ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है? कहाँ गई, एक मिनट, गाइडेंस कहाँ पे गई? अच्छा म्यूट कर लें अपने आप को, पीछे आपके डिस्टर्बेंस आ रही है। गाइडेंस सेवन ए अभी मैंने कहीं देखी थी, अभी अच्छा ये देखें, ये वाली चीज आ रही है, ठीक है? इस पे पूरा प्रॉपर प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है? या आपने ये फॉर्म लिखा हुआ, मिसाल के तौर पे कहते हैं दो किस्म के लोग हो सकते हैं, एक अनरजिस्टर्ड एक रजिस्टर्ड, FBR के साथ बात हो रही है। पहले तो आप 7E को अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप 7E पढ़ें ताकि आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? हेयर इज हाउ अ टैक्स पेयर कैन पे द टैक्स ऑन इनवॉइस प्रॉपर्ली। अनरजिस्टर्ड यूजर जो बंदा FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं है,
ऑन द मेन लॉग इन पेज यूजर विल बी एबल टू सी द टेक्स्ट ऑन योर प्रॉपर्टी लिंक ऑन द टॉप मिडल लाइक, जैसे अभी हमने ये ओपन किया था, ये वाली चीज ये आ रही है, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, इसने अभी यहाँ खोल दिया आपका। अच्छा ये वाली चीज वो कहता है यहाँ पे आ रही होगी, तो हमने कहा ठीक है जी, ये देखे फिर ये कैपिटल एस अंडर सेक्शन ये। अच्छा आगे क्या बोलता है, कहता है बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक एन अनरजिस्टर्ड यूजर विल बी रिडायरेक्टेड टू द 7e पेज, 7e पेज ये आपके सामने भी खुला हुआ था, ठीक है। ऑन द टॉप अ सर्च बार विल बी प्रेजेंट विल यूजर कैन एंटर इन द PSID और CPR फॉर ईच, ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है, वो बता रहा है किसको फिल कैसे करना है, ये उन लोगों के लिए जो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। जो रजिस्टर्ड है उनका तो भाई पोर्टल ऑटो में आपके जो एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू है उसका 20% भी, 25% वो सेक्शन कर रहा, पूरी गाइडेंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, खुद ब खुद टैक्स निकाल के आपको मालूम करके देता है, यानी रजिस्टर्ड की बात हो रही है, ठीक है। जो रजिस्टर्ड होते हैं ये अभी कैपिटल एसेट, अभी ये नकम्मे आदमी ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7e, अब इसको इसने सिर्फ कैपिटल एसेट कर दिया, 7e का ये वाला पॉइंट निकाल दिया जो भी हम पोर्टल पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वही वाली चीज है, ये जो एग्रीकल्चर फॉर्म ये वो ये रजिस्टर्ड वाले पोर्टल के लिए है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस गाइडेंस को भी देख लीजिएगा, आप कहते हैं तो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन इसके साथ आपने एक और रिक्वेस्ट भी है, वो ये है कि आपने 7e को पहले एक दफा पढ़ना है, ठीक है। आप 7e को पढ़ेंगे और इस गाइडेंस को देख लेंगे, आपके वैसे ही जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको क्वेश्चन पूछने। ठीक हो गया सर, थैंक यू। एक मिनट जी, मैं आपके साथ ये शेयर कर, और क्वेश्चन पूछे जी। तनवीर भाई मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, मैं तो शायद एडमिन नहीं हूँ, तो आप ऐसा करें या फिर प्रैक्टिकल वाले सेशन के अंदर भेज, जी आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिए प्लीज। जी अच्छा सर, मैंने सुनिए एक रिटर्न सुनिए, रिटर्न फाइल की थी सर 7e के बगैर, तो सर अच्छा अभी मैं रिवाइज करूँ उसे सर? जी जी रिवाइज करें प्लीज, बाद में बंदा प्रॉपर्टी को सेल ही नहीं कर सकता ना उसको, बाद में जब तक होगा नहीं वो आपने उसका वो या तो टैक्स पे करना है या आपने एग्जम्पशन लेनी है, तो फिर मसला होगा, ठीक है। ठीक है सर, रिवाइज कर लो 60 डेज के अंदर अंदर, कोई मसला नहीं, कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट पढ़ लो, 7E सेक्शन को पढ़ लो, आपको खुद ब खुद अगर चीज क्लियर ना हो तो बात है, ठीक है। बेसिक थोड़ी सी अंडरस्टैंड देखें, अगर आपने सही मायने में पढ़ना है ना तो बेहतर ये है कि आप लॉ को पढ़ के चलें, ठीक है, फाउंडेशन बना के चलें। ठीक है ठीक अच्छा सर, ये वाले है सर, जो थैंक यू। लेक्चर्स हैं जी, ये LMS पे शेयर होंगे कहीं पे? अच्छा नहीं, ये वाले LMS पे नहीं, ठीक है, ये फेसबुक पे वो डाले डुले थे, अभी पता नहीं इस पे कोई म्यूजिक ऐसा है या कोई ये चीज ऐसी लगा देते हैं, स्ट्राइक आती है, जिसकी वजह से इन्होंने वो कोई एक आधा मेरा ख्याल है गूगल ड्राइव पे किया था। मैं कोशिश करूंगा इनको, कहूंगा कि ये सारे लेक्चर जो है ना आपको गूगल पे या फेसबुक पेज पे या कहीं यूट्यूब पे कहीं आपको प्रोवाइड कर देंगे, LMS पे नहीं दे देंगे। ठीक है सर। सर मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी शॉपकीपर को रजिस्टर करते हैं, तो मेरे एक क्लाइंट है वो गुड्स का काम करते हैं डिलीवरी का, तो वो कमीशन बेस्ड एजेंट के तौर पे काम करते हैं। अब कमीशन बेस्ड एजेंट के ऊपर FPR फिक्स अमाउंट का टैक्सेस पे करने का कहते हैं, और उसके अंदर वो सैलरीज की परमिशन देते हैं 20,000 पर मंथ, अगर आप उनको नहीं देते सर, उनके पास मोस्टली तौर पर उनका जो एक्सपेंडिचर है वो यही है कि उनके 7 से 8 जो लेबर या 10 लेबर के तौर पर अगर काम करते हैं, तब हम उनका कितने परसेंट कैसे उनका टैक्स मतलब पूरी सैलरी से डिडक्ट कर सकते हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि हाँ आपका एक बंदा है, ठीक है, वो कमीशन पे काम करता है, उसमें मुलाजिम रखे हुए हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी सर ऐसा ही अच्छा है। अच्छा उसके बाद आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि उनकी विदहोल्डिंग वो कैसे करेगा, जी सर, वो विद होल्डिंग कैसे करेगा? सेक्शन आप जो वो लोग हैं उसके परमानेंट एम्प्लॉई हैं, सर परमानेंट एम्प्लाई नहीं है, मोस्टली तौर पे लेबर होते हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं और डेली बेसिस पे मतलब वेजेस लेके चले जाते हैं। तो वो डेली वेजर है, ठीक है, तो डेली वेजर वाले की तो वो वैसे ही विदहोल्डिंग नहीं होती, ये नहीं आपको पता? तो सर उनका पर डे का लेबर का 10,000 तक चार्ज एक्सपेंडिचर बन जाता है, और 25,000 डिडक्ट करने की उसमें होती है, तो इतने ज्यादा करेंगे तो इस पे ऑडिट वगैरह या कोई इस तरह का इशू नहीं होगा?
नहीं, जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं, ये बताओ कि कोई अगर आप किसी की विदहोल्डिंग करेंगे तो आपके पास लेबर आएगी कैसे? ये जो इस तरह खर्चे होते हैं ना आपके, मतलब कुछ एक्सपेंसेस हैं मसाल तौर पे जो वो कैश में आप अलाउड है, सेक्शन 21 में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो लेकिन ये वाली जो चीजें ना पे कहीं पे मना है ना पे कहीं पे अलाउड है, ठीक है? तो ये एक ऐसा ग्रे सा एरिया जिसके ऊपर हम तो कभी विदहोल्डिंग ना तो रिकमेंड करते हैं, ना ही मैंने आज तक कभी विदहोल्डिंग होते हुए देखी है, आज तक नहीं देखा। तो सर मतलब मैं उनका जितना भी एक्सपेंडिचर बनते हैं वो डिडक्ट कर दूं खर्चे के अंदर, इस पे कोई इशू नहीं बनेगा ऑडिट वगैरह का? जी, कोई मसला नहीं। हाँ सर मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ। अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस साल के स्टार्ट के ऊपर तकरीबन 5 लाख था, लेकिन पूरे साल के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन 2 या 3 करोड़ की चली जाती है, और एंड डेट के ऊपर फिर हमारा एंड मंथ के अंदर 10 या 20 लाख ही ट्रांजेक्शन होती है, तो हमें पूरे साल का मेंशन करना लाजमी है या ओपनिंग और स्टार्ट को मेंशन कर दें? आपने क्वेश्चन बहुत स्पीड से पूछा है कि आपने कहा है, दोबारा से रिपीट करें। सर मैंने कहा है हमारी स्टार्ट ओपनिंग डे या स्टार्ट मंथ के ऊपर, ओपनिंग मंथ के ऊपर हमारी 5 to 10 लाख की ट्रांजैक्शन है 1 मंथ की, ठीक और है एंड एंड मंथ के अंदर भी 5 to 10 लाख ही है, लेकिन ठीक दरमियान के है, अंदर टोटल बैंक की ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट 2 से 3 करोड़ की बन जाती है, तो इस जो पूरा पूरे को मेंशन करना लाजमी है या नहीं? मुझे ये बताएं कि बैंक जो है ये आपका एसेट है या लाइबिलिटी है या एक्सपेंस है या इनकम है, ये क्या चीज है? बैंक आपका क्या होता है? सर वो एज अ एक्सपेंस भी यूज कर रहे हैं, मींस वो प्रोडक्ट्स मंगवाने के लिए एज अ पे कर रहे हैं एक्सपेंस के तौर पे अपने बिजनेस के ठीक है लिए। ठीक है, याद रखिएगा एक्सपेंसेस अलग चीज होती है। जब बैंक बैलेंस होता है ना पूरे साल का, बैंक बैलेंस को हम नहीं दिखाते होते, हमने जो 30 जून का बैलेंस होता है उसको शो करना होता है, पूरे साल को नहीं दिखाया था, ठीक है? और ओपनिंग का जो होता है ना वो लास्ट टाइम की रिटर्निंग के अंदर भी शो हुआ होता है, ओपनिंग को भी छोड़ देते, क्लोजिंग जो 30 जून का बैंक बैलेंस होता है उसको दिखता है। हाँ, बैंक से आपके एक्सपेंसिस वगैरह तो हो रहे होते हैं, उससे पैसे निकाल निकाल, लेकिन आपका जो बैंक है ये एसेट काउंट होता है, ठीक है? ये आपके एसेट्स के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट में ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आ रहा होता है बैंक, ठीक है? सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा, बैंक कैसे एसेट के अंदर लाइफ? आपकी एजुकेशन क्या है? सर सॉरी मैं समझा नहीं। आपकी एजुकेशन क्या है? अकाउंटेंसी से हो, लॉ से हो? सर मैं LLB ऑनर्स किया हुआ है। अच्छा जी, LLB ऑनर्स किया हुआ। भाई बात सुन रहे हैं, रिटर्न फाइल करते हो, जब रिटर्न फाइल करते हो तो उसके अंदर एक रुपये दूंगी मैं ये सारे रिटर्न लोकल करने। आपको भी मैंने बताया कि रिटर्न के दो पोर्शन होते हैं, आपको याद होगा। एक पोर्शन आपका वो है जो आपका, ये देखो कितना पोर्शन है, और एक ये पोर्शन है। इसमें आपकी इनकम कहाँ से आ रही है और यहाँ पे टैक्स कहाँ से आ रहा है, कितना पे करना है। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के अलावा एसेट्स वगैरह आने होते हैं, तो बैंक यहाँ पे आता है, पता है आपको? ये आपका अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट जो होता है वो इसमें शो होता है, तो एसेट्स में आ रहा है। तो जितने ये एसेट्स आ रहे हैं मेरे भाई, सब का एंड पे 30 जून को बैलेंस देखा जाता है। एसेट्स का बैलेंस 30 जून का देखा जाता है कि 30 जून पे इसका क्या स्टेटस था। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, समझ आई कि नहीं? जी सर समझ आ गई है। अच्छा चलिए, अच्छा बाकी लोग कंफर्म करें जी। भाई लोग क्वेश्चन पूछें भाई। अच्छा सर एक प्रॉपर्टी है सर, वो मेरे भाई के नाम पे है और पोजीशन उसकी मेरे साथ है सर, तो ठीक सर है, एसेट्स ऑन अदर्स नेम पे वो शो करेंगे 7E में सर, बिल्कुल, वो फाइल करनी है नहीं करनी? वो 7E में जिसके नाम पे वो शो करेगा, ठीक है सर। ठीक है? क्योंकि बेसिकली सेल करते हुए उसे मसला होगा, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है जी। सर एक और सवाल क्वेश्चन? पूछूं, जी,
ऐसा इस तरह के एक मियाँ बीवी हैं और मियाँ ने बीवी के नाम पे एक प्लॉट लिया है और अभी ठीक है। प्लॉट जो है वो बीवी के नाम पे, लेकिन उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या उसको 7E में मियाँ की स्टेटमेंट में होगा, उसकी रिटर्न में होगा या बीवी की रिटर्न में होगा? भाई जान मुझे बताओ कि वो नाम पे किसके हैं, बीवी नाम पे उन्होंने बीवी के किया है। के नाम पे है, तो जिस बंदे के नाम पे, अभी आपसे यही एकदम एक लम्हे पहले क्वेश्चन किया था, जिसके नाम पे है उनकी रिटर्न में आएगा सिंपल। आके नहीं सर, उसका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, तो भाई उसके बंदे ने उसको गिफ्ट किया होगा, ऐसे थोड़ा उनके पास आ गया, पहले उसकी रिटर्न में गिफ्ट के तौर पे आएगा, उसके बाद वो उनकी रिटर्न के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। जी सर ठीक होगा। 7E में भी उसी क्या आएगा ना जिसके नाम पे। किसके नाम पे है? अच्छा, आप 7E का कंसेप्ट समझ लो। 7E है क्या? 7E ये है कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा प्लॉट प्रॉपर्टियां अपने नाम पे रखी हुई हैं, कानून चाह रहा है जिनकी 2.5 करोड़ से ज्यादा मालिक की प्रॉपर्टी है, वो लोग ऐसा करें कि मुझे अपनी मार्केट जो उस प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू का 1% मुझे टैक्स दे रहे हैं। 1% नहीं होगा था, 20% फिर मार्केट वैल्यू का, फिर उसका 5% जो कि इफेक्टिवली 1% बनता है, ठीक है, वो मुझे टैक्स दे दें। हमने कहा ठीक है टैक्स ले लो भाई, कोई नहीं। अब जब हमने 1% उसको टैक्स देना है, तो यहाँ पे स्टोरी ये है कि कानून, अब जब आप प्लॉट मेरे नाम पे प्लॉट, मैं टैक्स दे दिया ठीक है, अगर नहीं भी देता तो मसला नहीं है, लेकिन मसला कब आएगा जब मैं प्रॉपर्टी सेल करने जाऊंगा, वो कहेंगे ये प्रॉपर्टी ली कब थी, आप इतने सालों में 7E पे ही नहीं किया, मेरे से सारे के सारा 7E लिया जाएगा, सेल करते हुए वो प्रॉपर्टी मेरे गले में फंस जाएगी, तो लिहाजा साथ साथ ही हम इसका टैक्स पे करते रहेंगे। और ये इफेक्टिवली अब उन्होंने हर बंदे को इस तरह से फंसा दिया, कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल ही कर सकेगा जब तक वो 7E इसमें ना जाए, ठीक है? हाँ जी सर समझ आ गया। बस ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर ये बताइएगा कि एक सैलरीड पर्सन का जो प्रोविडेंट फंड बैलेंस है वो डिक्लेयर करना जरूरी होता है या नहीं? अच्छा आप ये देखिए, मेरे दोस्त प्रोविडेंट फंड उसकी होती है इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही है, मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट, जैसे मेरे पास कैश हो चाहे मैं बैंक में रख दूँ, मैं उसको गाड़ी ले लूँ, मैं कैश की शक्ल में रख दूँ, जैसे मर्जी रख लूँ, तो बिल्कुल उसी तरह से जो प्रोविडेंट फंड होता है, ये वाले पैसे भी आपके इन्वेस्टमेंट ही होती है, प्रोविडेंट फंड को हम बिल्कुल अपने एसेट्स के अंदर शो करते होते हैं। सर एक सैलरीड पर्सन है जो रिटर्न तो साल साल से सबमिट करवा रहे हैं लेकिन प्रोविडेंट फंड बैलेंस उन्होंने शो नहीं किया हुआ, तो अब उसको अगर डिक्लेयर कर दें तो उसके रिपरकशंस हैं या उसकी कोई रिकॉन्सिलेशन में इशू आ सकता है? नहीं कोई मसला नहीं आएगा, आप उसको शो कर दो, तो बेसिकली मसला थोड़ा सा रिकंसिलेशन में आ सकता है, ठीक है? तो सर उसको कैसे हैंडल करेंगे? कैसे हैंडल करेंगे आप उसकी, वो कितनी अमाउंट है जो शो नहीं हुई है? सर अब तो एक्युमुलेटेड बैलेंस है कोई 1 मिलियन के करीब। 1 मिलियन के करीब है, ठीक है, जी सर अच्छा वाह, 1 मिलियन के करीब है, इतना तो मैनेज हो सकता है, आप उसको 1 मिनट यहाँ पे जाके देखें, बेसिकली वो एडेड हुई हुई है ना, पनी काब से शो नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल क्या उसकी रिटर्न के अंदर मजीद क्वेश्चन है तो क्या देखें आप, तो मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहीं से कमाता नहीं हूँ, मैं कहूँ मैंने गाड़ी ले ली, मैं ले सकता हूँ नहीं ले सकता, यानी कि उस बंदे का अगर आपने एक एसेट अभी वो अचानक से शो करना, वो बेचारे का शो होना चाहिए था, अब उसका कोई ना कोई बैक एंड पे सोर्स दिखाना पड़ेगा कि आया कहाँ से, तो सोर्स पे थोड़ा सा मैं सोच के आपको बता सकता हूँ कि इसको किस तरह से कटर करने, क्योंकि टैक्स इम्प्लीकेशन ज्यादा है, और कोई मसला नहीं है, बात समझ आ रही है कि नहीं? जी सर आप ये चेक करके बता दीजिएगा। मैं चेक करूंगा, आप इसका थोड़ा देखिएगा और वो जो है कंप्लीट सिनेरियो डिस्कस कीजिएगा कि बंदे का कब से ये प्रोविडेंट फंड इकट्ठा हुआ हुआ है, ठीक है, उस बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ताकि अकॉर्डिंगली हम उसको, ये नहीं कि पैसे चाहिए लेकिन उसका देख सकें किस तरह मैनेज होगा। सर ये मेरा अपना ही केस है, मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा ड्राफ्ट रिटर्न। अच्छा, आपका अपना ही है।
ठीक है, मैं चलोगे? जी और कुछ है? जी क्वेश्चन था सर, जी मेरा एक क्वेश्चन था सर जी कि सर मेरा एक एचबीएल का अकाउंट है सर, वो है तो स्टूडेंट अकाउंट, लेकिन गलती से मेरा एनटीएन बन गया था। तो सर अब मुझे पहले रिटर्न सबमिट करनी है, तो ठीक है। मैं जब डिक्लेरेशन पे गया और वहां पे, क्योंकि सर मैं एक अभी इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ और उसका स्टाइपेंड ऑलमोस्ट मंथली 60,000 बनता है। देखो आपका ना, अगर आप स्टूडेंट होगा किसी आपका एंट्री बन गया ना, तो आपके रिटर्न फाइल करना तो मैंडेटरी है। ठीक है, ये तो हर हाल में जी आपने करना, ठीक है। लेकिन अब स्टोरी ये है कि अगर आप इसको नहीं शो करते या नहीं करना चाहते, ठीक है, तो फिर आप पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, बेस्ट जजमेंट जी सर असेसमेंट पास हो सकती है, सेक्शन 114(4) का नोटिस जारी होगा सबसे पहले। जितनी आपकी कहीं ना कहीं से इनकम आती है, आपके साथ कोई भी इनकम नहीं आती, भाई सैलरी के अंदर 1 रुपया डाल दो, ठीक है, अदर सोर्स में 1 रुपया डाल दो, ठीक है। आपको रिटर्न सबमिट करनी है, आपके साथ ना उसमें ना डालो, नहीं डालना चाहते ना डालो, लेकिन आपके पर्सनल एक्सपेंसिस आपको शो करने पड़ेंगे। आप कहीं वो आवाज दी देते हैं, वो कंट्रीब्यूशन फैमिली मेंबर में डाल दे, रिटर्न आपका करना आप मैंडेटरी हो। जी सर असल जब डिक्लेरेशन में सर मैंने एक नॉर्मल इंडिविजुअल के सैलरी इनकम को जो किया, तो वो ये कह रहे थे कि आपको एक ऑलरेडी ही ड्राफ्ट मेरा डिक्लेरेशन मौजूद है, आप उसी से डायरेक्टली क्लिक करें उसको ठीक सर। है, लेकिन जब मैं उसको क्लिक किया तो वो उसका पैटर्न बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। नहीं वो मुख्तलिफ कोई नहीं होगा, आप चेक कीजिएगा, ये अभी मुख्तलिफ नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है वो क्लासिफाइड फॉर्म में चला गया होगा, ऊपर ना राइट साइड के कोने में होगा नॉर्मल रिटर्न, वो क्लासिफाइड, उस पर क्लिक करो कीजिएगा, राइट साइड पे जहाँ पे प्रोफाइल आ रही होती है उसके ऊपर एक ना ऑप्शन होगी, वहां पे आपने क्लिक करना है। ठीक जी जी सर है, वो आप चेक करो अभी क्लास के दौरान, चेक कर लो। मुख्तार साहब बताएं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जो आप चाह रहे हैं कि रिटर्न फाइल करनी है उसमें क्या जी पूछना सर चाहते जी हैं? हाँ सर, मैंने कहा रिटर्न फाइल करनी है, कैंडी मुझे ना कोई सपोर्ट कर दें, ताकि या तो मैं खुद कर दूं या सर आप कर दें, नहीं, सपोर्ट कर आप दें। खुद ही करें, ताकि अगली दफा भी आप खुद करें, मुझे हाँ बताएं कि आपकी क्या हेल्प करूं। अच्छा, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी सर? सर जी देखें क्या हो गया, 1 मिनट दें मुझे, जब हम क्लोज करते हैं। मैं जी प्यारे दोस्त यहाँ पे जाते हो ना, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हो, ये सैली वाले भाभी तो बनी से, मतलब आपने हाउस वाइफ है तो उनकी बात, इसमें से देखो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होगी। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, वो जॉब नहीं करती तो ये नहीं होगा। बैंक अकाउंट है तो ये उनका अगर है तो ये चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद कोई उनके नाम पे कोई एसेट है तो उसकी डिटेल चाहिए होगी। जी सर अगर कोई यूटिलिटी बिल अगर आप देते हैं और उनके नाम पे कोई मिटेशन नहीं है तो ये नहीं आएगा। यानी कि बैंक अकाउंट और उनके पर्सनल ठीक है एसेट्स और उनके एक्सपेंसिव, ये रिटर्न के अंदर ही तो हमने बस भर देने हैं, ठीक है। चीजें जो लिखी हुई हैं यहाँ पे एक्सपेंसिज हैं, मतलब आपके सामने ही था ना एक्सपेंसिव, यहाँ पे एक्सपेंसिव लिख लो, जहाँ पे आपके एसेट्स हैं वहाँ पे बैंक को लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से मुश्किल नहीं, आप इसका एक दफा ड्राफ्ट बना के मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, जी हाँ जी 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 ठीक है जी सर। एक और सवाल है हाँ जी सर, ये जो आपके पीछे लेक्चर्स है ना, बड़े वो फ्रूटफुल थे सारे, लेकिन वो एक लेक्चर भी आपका अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो कोई इस तरह हो सकता है, जैसे अभी आपके जिस लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, तो सेम ये रिकॉर्डिंग अगर ग्रुप में शेयर हो जाए, क्योंकि यूट्यूब वाले मेरे ख्याल में बार बार रिमूव कर रहे हैं आपके लेक्चर्स ना। ये मैं इंश्योर करता हूँ, इनको कहता हूँ कि ये ना इनके पास रिकॉर्डिंग होगी, मैं इनको पता करता हूँ, इनको कहता हूँ आज वाला तो मैं अभी इसको लाजमी करवा दूंगा, एज इट इज करवा दूंगा। ये इनको मैं पूछता हूँ कि ये पहले वाले लेक्चर पढ़े या नहीं पढ़े। सर ये काइंडली कर दें, बहुत जरूरी है, मैं करवा फिर दूंगा, इससे फायदा करवा होगा। थैंक यू सर, थैंक। जी, ठीक है। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है मैं सुन रहा हूँ, सर, एक बंदा है उसका लॉस हो जाता है बिजनेस में, ट्रेडर है सर, ट्रेडर, तो ठीक है। सर 1 लाख रुपए का लॉस हो जाता है, तो सर वो -1 लाख हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे सर? जैसे आपकी इनकम होती है, ठीक है, और याद रखें तो इनकम की वजह से आपके एसेट्स क्या होते हैं, वो अपना आपकी बैलेंस स्टेटमेंट में वो आपकी बढ़ जाते हैं, आपके एसेट्स में इंक्रीज आ जाता है, ठीक है, या आपकी वेल्थ में इंक्रीज आ जाता है। अगर आपके नेगेटिव होंगे तो वो आपके वेल्थ में नहीं आएगा, वो आपके बिजनेस के जो एसेट्स होंगे
वो काम हो जाएंगे। मैं मिसाल देता हूँ, एक बिजनेस के अंदर मैंने 10 करोड़ का लगाया, उसमें से 5 करोड़ का नुकसान हो गया, तो मेरे एक्चुअल में 5 10 करोड़ से 5 करोड़ रह जाएंगे। तो यानी कि जो आपकी बिजनेस की वो बैलेंस शीट है उसको कम कर देगा, ड्रेन कर देगा एसेट्स को। यह है तो आपका अच्छा सर, इनकम कैपिटल बिजनेस में का हम पर्सन। माइनस कर देंगे उसे। जी, वो आपके एसेट्स के अंदर माइनस हो जाएगा। देखो प्रॉफिट होता है तो इक्विटी में ऐड होता है, लॉस होगा तो इक्विटी से लेस हो जाएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी, बाकी लोग प्लीज क्वेश्चन पूछें। आप लोगों में से किसी ने रिटर्न बनाने की कोशिश की? अब बनाई तो बनी कि नहीं बनी? अगर नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, क्या आपको लगता है? और अगर बन गई तो क्या आप कंफर्टेबल हैं? प्लीज बताइए। जी सर, रिटर्न्स बन रही हैं आज भी। बस वो 7E के मतलब ना, उसमें एक गलती बस वो अभी जो मुझे समझ आई है, वो मार्केट वैल्यू ना, सेम वैल्यू मैंने आगे मार्केट वैल्यू में भी डाल के, पर वो सबमिट तो कर दिया ये कि वो बड़ी कम वैल्यू का था, उसमें कोई इश्यू तो नहीं बनेगा। सर थोड़ा बहुत फर्क है, बस जाने दो, ठीक है? बहुत ज्यादा फर्क है, फिर कर लो। और मेहरबानी किया करें आप लोग सारे कि 7E बोल बोल के हम लोग थक जाते हैं, एक दफा उसको रीडिंग कर लें, ठीक है? और वैसे मैंने इसको फेसबुक पेज पे भी, हमारे पेज पे भी उन्होंने शेयर किया था, मैंने इनको लिया था, तो मैं बल्कि वो भी आप कहते हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मैं एक एग्जाम्पल भी आप लोग साथ शेयर कर देता हूँ 7E को समझने के लिए, आप लोग मौजूद रहें, ठीक है? मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर एक एग्जाम्पल। और बाकी आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ, मैं साथ शेयर कर दूँ उसको। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे क्लाइंट है, उनके पिछले 2 से 3 साल के 0 रिटर्न फाइल किए गए थे, जितना 0-0 करके फाइल कर दिए। इस साल उनका प्रॉपर रिटर्न फाइल किए तो कुछ रिफंड बन रहा है। अगर हम रिफंड क्लेम करेंगे तो क्या वो पिछले वाले रिटर्न देख के उनसे उनकी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स मांग सकता है, ऑडिट वगैरह कुछ? वो जिस साल का कर रहे हो ना, इस साल के वो आपको कहेगा एविडेंस शो करो, ये करो, सॉर्ट ऑफ ऑडिट इस साल का खोल के बैठ जाएगा। लेकिन मुझे चीज बताओ कि कितनी को रिफंड किया होगा? उसकी 2 से 3 हज़ार होगी मैक्सिमम, या 4 हज़ार। यार तुम पंगे लेते हो, बस ठीक है, जाने दो, दफा करो। जी सर, ठीक है सर। एक बंदा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में नहीं है ना, वो उसका टोटल वो है भी फॉरनर ही, तो यहाँ पे एक पुरानी जमीन उनके नाम पे थी, उन्होंने सेल आउट की, तो वो क्योंकि वो तो आपको पता है रेमिटेंसेस थे, तो वो हमने उसकी रिटर्न में तो वो नहीं शो हुआ, लेकिन अब वो अगर बेचेगा तो उसके लिए कोई इशू तो नहीं बनेगा? जब तक ये 7E पूरा नहीं होगा, होगा ही नहीं, ठीक है? उसको शो करना पड़ेगा, बात समझ आई कि नहीं? क्या जी सर, वो ओवरसीज है, उसकी जो रिटर्न फाइल हुई है ना, वो भी ओवरसीज की हुआ रिटर्न फाइल। 7E को आप पढ़ो ना, ओवरसीज को काम अभी दी गई है। अच्छा, उसमें है मतलब ओवरसीज भी है, तो उसकी 7 ही लाजमी वो फिलअप होगा। जी, यही तो मसला है ना, आप लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं ना। देखो आप लोग मुझे, 10 लोगों ने मुझे 7E खुद बोला, एक 7E पूछ लो तो ये है क्या, तो इनको ये भी नहीं पता होना क्या किस सेक्शन का नाम है। ये देखिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल भेज दी है। ये भी और दूसरी भी मैं आपको भेज रहा हूँ, फिर थोड़ा सा पढ़ भी लेना ना 7E का। ये लो 7E आपके ग्रुप में। और बताओ, ये ना एक्चुअल में इनकम है नहीं, डीम्ड इनकम, फजूल की इनकम बनाई। जी मनोहर साहब, आपको सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक क्लाइंट है, कमीशन एजेंट है, तो उसको हम कहाँ से सर ऐड करेंगे, और स्क्रिप्ट वाला भी आता है, उसको कहाँ ऐड करेंगे सर, उसका रिटर्न कहाँ भरेंगे? कमीशन एजेंट वाला एक अपॉन बिजनेस में आएगा, ठीक है? बिजनेस की रिटर्न खैर हम नहीं अभी डिस्कस कर रहे, तो नहीं, डिस्कस करेंगे। बिजनेस में जाके अदर्स में करूँ सर उसको? हाँ अदर्स वाला, ठीक है, अदर्स में ही आएगा। ठीक स्क्रैप वाला भी है ठीक बिजनेस में आएगा। एक ऐसी बिजनेस वाली रिटर्न किस किस की होगी? है। सेक्शन 2 लॉस एंड पढ़ अच्छा लेना। कोई भी ऐसा बंदा जो एक ऐसी एक्टिविटी करे जो लीगल
एक्टिविटी हो जिसका प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है, तो और वो जी एक्टिविटी रेगुलर हो, ठीक है, तो हाँ लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव जी प्रॉफिट मेकिंग हो, बिजनेस है, ठीक है, वो ये है नॉर्मली कॉमर्स की डेफिनेशन है। लेकिन जो आपके लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बाकी प्रोफेशनल्स हैं, सारे ये लोग इसमें कवर होते हैं, ठीक है ठीक जी। यहाँ पे मैं खा भी जाऊंगा जी अभी तो खा लो। मनोहर साहब, मेरा ख्याल आपका हो गया, बाकी और जो साहब हैं जिन्होंने एड्रेस किया था, डॉक्टर मुख्तार साहब, समटाइम वी फॉरगेट व्हाट वी एंटर्ड इन रिटर्न, वी वांट टू नो फॉर करंट रिटर्न व्हाट वुड बी द प्लान। सर जी ये आपको बताता हूँ, ये देखें आपने क्या चीज एंटर किया क्या नहीं की, ये मैंने आपको बताया कि इस पेज पे मेरे दोस्त जाएंगे ड्राफ्ट में, मैं तो रिटर्न ओपन करके आपको दिखाता हूँ, रिटर्न को ओपन करके, इस तरह आपको नहीं पता मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिगर्स लिखी हुई है। रिटर्न वाला जो फिगर है ना, ये यहाँ पे आपने कंपटीशन पे क्लिक करना, जब कंपटीशन पे ये टेक्स्ट चार्जेबल के नीचे जाके करेंगे ना, इस रिटर्न के अंदर मैंने क्या कैसे शो की हुई है सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आपने कुछ भी नहीं शो किया हुआ, ठीक है, शायद मैंने किसी और की रिटर्न ओपन की हुई है या जिस साल की ओपन की हुई है, इसके अंदर मैंने वाकई में ही कुछ नहीं शो किया, अगर किया हो तो ये सारी चीजें आ रही हो, ठीक है। आप भले इस रिटर्न को खोल के देख लीजिएगा, इस रिटर्न के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ड्राफ्ट में जाके, ठीक है, डिक्लेरेशन पे जाके, अब यहाँ पे जब एडिट करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा यार कुछ भी नहीं किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर मुझे ये करना है, ठीक है, कंपटीशन पे, ठीक है जी। यहाँ पे सारी फिगर्स आपको प्रॉपर्टी के आगे क्या है, एग्रीकल्चर इनकम के आगे क्या है, फॉरेन प्रॉपर्टी इनकम के आगे क्या है, सारा यहाँ पे आ रहा होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ से आपने खुद लिखे होंगे, नीचे जाके देख लेना, आपके बाकी रिकंसिलिएशन में जाकर चीज देख लेना, ठीक है। चलिए बिल्कुल खामोशी सर, बनाइए, सर कोई ऐसा एक्सेल टेम्पलेट मिल सकता है जिसमें हम क्लाइंट का डाटा इनपुट करके एक वर्किंग करके उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी पहले चेक कर लें इनपुट करने से पहले, या टेक्स की कंप्यूटेशन देख लें। सर भाई आपने पहले भी ये फरमाई थी और मैंने बिल्कुल पहले भी ग्रुप के अंदर शेयर किया था, शायद आप भूल गए या आपने डाउनलोड नहीं किया, मैंने ग्रुप के अंदर आपके वो आप मेरे ख्याल हमारे जून बैच में भी है ना, मैंने वहाँ शेयर किया था, शायद आप भूल चुके हैं, ठीक है, मैं मैं फिर सर चेक कर लेता हूँ, फिर शायद वो मैं उसको मैं देख एहतरामन फिर पाया। भेज देता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने खुद भेजी हुई है, ठीक है, और मैं इस ग्रुप के अंदर भी भेज देता हूँ, और ये एक्सेल का जो टेम्पलेट है ये हू बहू ये आईएलएस के पोर्टल की तरह होगा। राइट सर, थैंक यू। ये लें जी आपका बैच इधर भी आ गया और ये जून चला गया, और बताएं ये टेम्पलेट बिल्कुल ये एक्सेल ये जो इसका है ना तकरीबन इसके इक्विलेंट होगा। जी सर तो क्वेश्चन नहीं है मजीद है, बिल्कुल खामोशी है सर, वो जो जी, मैं बताइए थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि वो फार्मर है, तो उसका अभी रिवाइज पे लगाएं एप्लीकेशन दें, फिर उसके बाद उसका वो 7 ही बना के, तो फिर वो 60 दिन हो गए उसके, बैठने पर 60 दिन, 60 दिन से ज्यादा हो गया। सर वो तो तकरीबन महीना होने वाला है। अच्छा महीने में 60 दिन नहीं होते हैं, मैं समझ 7 दिन, सॉरी 60 60 60 नहीं, सिस्टम, सिक्स 60 नहीं हुए। बस ठीक है रिवाइज कर लो बगैर परमिशन के रिवाइज हो जाएगी। चल चल चल, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक जो शॉपकीपर होता है वो जो रेंट पे शॉप्स लेते हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स मोस्टली तौर पे ऑनर के नेम पे होते हैं, रेंटी के नेम पे नहीं होते जो रेंट शॉपकीपर होता है, तो जब हम उनकी बिजनेस के अंदर डिडक्शंस कट करेंगे उनके नेम पे इनकम टैक्स वगैरह, क्योंकि बिल तो शॉपकीपर पे कर होता है,
तो ये लीगली अलाउड है और उसको कोई इशू तो नहीं बनेगा ना कि मीटर उनके नाम पे नहीं लगता डिस्ट्रीब्यूटर। कोई मसला नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल नहीं मसला। जी सर ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था पर्सनल में सर, अगर हमें कोई भी शॉपकीपर है जिसकी सम एक शॉपकीपर को हम एक तो हम ट्रेडर्स में ऐड कर देंगे, ये एक ये पूछना था कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे अगर हमें समझ नहीं आ रही कहाँ पे ऐड करें तो उसकी इनकम को हम बिजनेस में अदर सोर्स में जो उनका ऑप्शन आता है अदर इनकम में उधर डाल दें तो कोई इशू तो नहीं है ना? कोई इशू नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो तो ऊपर जाना है, ट्रेडिंग हो तो ऊपर वाले टैब में जाना है, बाकी उसके अलावा नीचे वाले टैब पे आपने जाना है। ठीक है, सर जितने भी ये शॉपकीपर्स होते हैं स्मॉल स्टोर्स अगर होते हैं ये ट्रेडर्स में ही आते हैं ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर, जजाकअल्लाह सर। चले, मेरा ख्याल है कि आपके ना फिर सारे क्वेश्चन इनकम हम दोनों की तरफ चल पड़े हैं। शैली को देखिएगा, बस शैली तक आपका क्वेश्चन हो ठीक है, तो आप मुझे रात को 11 बजे के बाद मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई इसका कोई मुनासिब क्वेश्चन शैली के मुताबिक हो, जो टॉपिक मैंने आपको बढ़ाया या जो चीज़ हमने डिस्कस की है इसके मुताबिक बात करना है। लेकिन सॉरी टू से, अगर आपने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया या लॉ को नहीं देखा, आप 7E का क्वेश्चन लग जाए, 7E या अगर मैं पहला सवाल ही पूछूंगा भाई, 7E पढ़ा है? ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर नहीं बताऊंगा। ठीक है। सर एक सवाल है सर, ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं इनकी रिटर्न वगैरह इन सबको कैसे FBR के दायरे में लाया जाए और इनकी रिटर्न्स वगैरह फाइल की जाए? ये स्कूलों को आप ला सकते हो, ये बेसिकली अगर वो कहीं रजिस्टर्ड है, अगर आप सेक्शन 114 को पढ़ लो, आप उसमें अगर आप कहते हैं कि यार ये यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन किस तरह कवर होते हैं, तो एक सेक्शन वैसे 227B भी है जिसमें आप व्हिसल ब्लोअर भी बन सकते हो। अगर कोई बंदा टैक्स पे नहीं करता तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और उनका कहना है कि अगर हमें कोई टैक्स मिलेगा तो हम आपको कुछ ना कुछ मुआवजा भी देंगे आपको कुछ करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई सीन है कोई नहीं, पाकिस्तान में ऐसे हर चीज करके उल्टा पुल्टा गले ही चीज पड़ जाती है चीजें। ठीक है, लेकिन जो नहीं दे रहा उसको जो मर्जी कालो से नहीं देना। यहाँ पे आप देख लो बड़े सारे शॉपकीपर होते हैं, वो इवन की इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, सेल टैक्स से दूर की बात है। ठीक है, तो जी सर ठीक है, थैंक यू। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह।